हेलो दोस्तों, उर्दू लाजी ऑफिशियल चैनल में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। आज हम लोग पढ़ेंगे सनाते तलमीह और सनाते तलमीह। देखने में तो एक जैसा लग रहा होगा, दोनों देखने में तो एक जैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ देखिए लास्ट में हे है। लास्ट में क्या है? बड़ा हे है। यहाँ लास्ट में ऐन है, ठीक है। इसमें थोड़ा थोड़ा फर्क है, अब इसी फर्क को आप लोग जानिए। देखने में एक जैसा रहेगा, अक्सर एग्जाम में आता है, लोग गलतियाँ कर देते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सनाते तलमीह, जिसके लास्ट में हे आया है। तो इसकी तारीफ ये है कि कलाम में किसी मशहूर किस्से या किसी तारीखी या किसी मजहबी वाक़यात की तरफ इशारा कर दिया जाए, उसी को कहते हैं सनाते तलमीह। जैसे मान लीजिए कोई शेर आया है, कोई शेर है तो उसमें मान लीजिए लैला मजनू का वाक्य आया है, लैला मजनू का कोई वाक्य आया है, या हीर रांझा है, या कोहे तूर कहीं पे आया हुआ है, या कोहे कुन है ना, या कहीं पे इब्न मरियम आ गया किसी शेर में, या आ गया सबरे अयूब, ठीक है, या जिब्रील अलैहिस्सलाम, या जामे जम। ये सब क्या है? सब तारीखी वाक़यात है। ये सब जो है तारीखी वाक़यात है। अगर इन सब का जिक्र कहीं भी किसी शेर में आ जाए तो आप समझ जाइए कि उसमें सनाते तलमीह है। ये एक मशहूर किस्सा है, मशहूर वाक़या है, तारीखी वाक़या है, मजहबी वाक़या है, समझ गए ना। ये एक मशहूर किस्सा है। तो जब किसी शेर में कोई किस्सा, कोई तारीखी या मजहबी किस्सा, कोई वाक़यात बयान किया जाए और वो मजहबी बात उसमें आए, ठीक है, जो मजहबी लफ्ज़ उसमें आए कोई भी, तो वो क्या हो जाएगा? सनाते तलमीह हो जाएगा। जैसे देखिए एक शेर है, आग है इब्राहिम है औलाद है नमरूद है, आग है इब्राहिम है औलाद है नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इंतहा मकसूद है। इसमें देखिए तारीखी बात क्या आई हुई है, हज़रत इब्राहिम का वाक्य आया है ना, और इसमें नमरूद का वाक्य आया है, ठीक। तो कहीं भी आए इस तरीके से जब आएगा तो हो जाएगा सनाते तलमीह। अगला देखिए, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। इसमें महमूद व अयाज का किस्सा बहुत मशहूर है ना। महमूद बादशाह था, ये उसका नौकर था। तो इसमें भी देखिए तारीखी बात आई हुई है। फिर आया अगला कि क्या फ़र्ज़ है कि सबको मिले एक सा जवाब, क्या फ़र्ज़ है कि सबको मिले एक सा जवाब, आओ ना हम भी सैर करें कोहे तूर की। कोहे तूर क्या है? कोहे तूर एक पहाड़ है, ठीक है, कोहे तूर का वाक्य बहुत मशहूर है। तो इस तरीके से जब भी किसी शेर में कोई तारीखी बात आए या मजहबी बात आए या मजहबी किस्सा कोई आए, तो उसको हम उसमें कौन सी सनात होगी? सनाते तलमीह, जिसमें लास्ट में हे है। सनाते तलमीह, देखिए हे है लास्ट में, समझिए ना। तो ये हो गई सनाते तलमीह। अब हम अगली सनात पढ़ेंगे सनाते तलमीह। लास्ट में क्या है? लास्ट में ऐन है, समझिए ना। लास्ट में क्या है? ऐन। सनाते तलमीह, इसमें देखिए क्या होता है कि शेर में एक मिसरे का एक जबान में होना, शेर में एक मिसरे का एक जबान में होना और दूसरे मिसरे का दूसरी जबान में होना, या दूसरी जबान के कुछ लफ्ज का होना। मान लीजिए कोई शेर है, ठीक है, तो ये एक शेर एक जबान में, मान लीजिए शेर उर्दू जबान में है और दूसरा शेर किसी दूसरी जबान में है, या हिंदी जबान में है, या फारसी जबान में है, या अरबी जबान में है, या अगर मान लीजिए एक उर्दू में ये इसका थोड़ा सा ही कुछ इसमें फारसी का आ गया, या थोड़ा सा अरबी का ही आ गया, मतलब एक शेर उर्दू में हो, मतलब दो जबान में दो शेर हो, या कहीं पर थोड़ा सा ही आ जाए फारसी का या अरबी का अल्फाज, तो उसमें भी सनाते तलमीह होगा। जैसे देखिए कि अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि अगरचा बुत हैं जमात की आस्तीनों में, अगरचा बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है? ये अरबी में आया हुआ है, पूरा शेर नहीं आया, मतलब या तो पूरा शेर आ जाए या तो सिर्फ थोड़ा सा टुकड़ा ही कहीं आ जाए, तो उसमें कौन सी सनात हो जाएगी? सनाते तलमीह, ऐन यहाँ निकलेगा, तलमीह, समझ गए ना। इसी तरीके से अमीर खुसरो का शेर है
कि जिहाले मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियां, जिहाले मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियां, किताबे हिजरा नदारम ऐजा न लीजियो कहे लगाए छतिया, है ना। तो जिहाले मिस्की मकुन तगाफुल ये क्या है, ये फारसी जबान में है, ठीक है। दोराए नैना बनाए बतियां, फिर ये देखिए किस में है, दूसरी जबान में है, हिंदी जबान में है। किताबे हिजरा नदारम ऐजा ये किस में है, फारसी में है, फिर जो है ये हिंदी में है। समझ गए ना, मतलब कि दो जबानों में है, दो जबानों में आए, एक मिसरा एक जबान में, दूसरा मिसरा दूसरी जबान में, या उसका कुछ एक टुकड़ा है, समझिए ना। तो इसी को कहते हैं सनाते तलमी। अब तलमी तलमी है ये, और ये तलमी, इसमें फ़र्क आप लोग देख लीजिए, और इसमें रटना कुछ नहीं है। जब हे आ जाएगा तारीखी वाकयात, ऐन आएगा तो दो जबानों में दो शेर, मतलब दो एक शेर दो जबानों में, बस इतना ही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।